बॉलीवुड के देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने विदेशी एक्टर निक जोनस के साथ शादी की। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और अब तो एक बेटी के पेरेंट्स भी बन गए हैं। निक प्रियंका दोनों ही शादी से पहले अपने अफेयर को लेकर खूब चर्चा में रहे। निक ने भी प्रियंका से शादी करने से पहले कई एक्ट्रेस को डेट किया और अब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अपने बयान को लेकर चर्चा में है। दरअसल प्रियंका से पहले निक अमेरिकी मॉडल और एक्ट्रेस ओलिविया कल्पो को डेट कर रहे थे। खबरों के मुताबिक साल 2013 में दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था और साल 2015 में इनका ब्रेकअप हो गया। इनके अलग होने की खबरें सुन फैंस भी हैरान रह गए थे। अब लंबे समय बाद ओलिविया ने निक के साथ अपने ब्रेकअप को लेकर बात की। एक शो के दौरान ओलिविया ने कहा कि डेटिंग के वक्त उन्होंने सोचा था कि वो निक से शादी करेंगी। ओलिविया कहती हैं कि मैंने निक को डेट किया और मेरे लिए वो बेहद रचनात्मक अनुभव था। मैं उनके साथ एलए चली गई थी, मेरे पास कोई ब्रांड नहीं था, पैसा नहीं था, मैं इश्क में गिरफ्तार थी, ये सब शानदार था, लेकिन जब उन्होंने मेरे साथ रिश्ता तोड़ा तो मैं ऐसी हो गई थी कि मेरी कोई पहचान ही नहीं। आगे उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा था कि हम शादी करने वाले हैं, मैं बहुत कुछ सोच रही थी, निक ही मेरी पहचान थे। जब नौजवान प्यार में पड़ते हैं तो ऐसा ही होता है। ब्रेकअप के बाद का दर्द बयां करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि मैं अपने घर में हर रात कई बातें सोचा करती थी, उस घर में जिसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा था कि मैं सोचा करती थी कि मैं इसका किराया कैसे दूंगी। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने साल 2018 में निक जोनस से शादी की। प्रियंका निक की लव स्टोरी की बात करें तो निक ने प्रियंका को पहली बार क्वांटिको में देखा था। इसके बाद उन्होंने अपने को एक्टर ग्राहम रोजस को मैसेज भेजा। निक ने लिखा था कि प्रियंका बहुत खूबसूरत है। इसके बाद उन्होंने साल 2017 में प्रियंका को सोशल मीडिया पर मैसेज लिखा, हमारे कॉमन फ्रेंड्स कह रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए। एक इंटरव्यू में प्रियंका ने बताया कि पहली डेट पर वो लॉस एंजलिस गए थे और वहां निक ने उनसे कहा था कि मुझे तुम जैसी हो वैसी पसंद हो, मुझे तुम्हारा नजरिया पसंद है। तीसरी डेट में निक ने प्रियंका को ग्रीस में घुटने के बल पर बैठकर प्रपोज किया था। प्रियंका ने कुछ देर खामोश रहने के बाद हाँ कह दिया था। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।